आयुर्वेद में न जाने कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके उपयोग से शरीर बीमारियों से दूर रहता है। इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी है पिपली। पिपली यानी छोटी पीपल। वैसे तो ये मुख्यतः मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन पिपली के चूर्ण के फायदों के बारे में लोग कम जानते हैं। इसका सेवन अगर उचित मात्रा में किया जाए तो ये सेहत को अनेक तरीकों से फायदा पहुँचा सकती है। जो लोग सिर्फ दर्द या माइग्रेन से परेशान रहते हैं, उन्हें बता दें कि पिपली सिर दर्द को दूर करने में बेहद असरदार है। ऐसे में आप घर पर ही इसका लेप बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि लेप कैसे बनाएं? तो बता दें कि पिपली को पानी में पीसकर इसका लेप बनाया जा सकता है और इस लेप को सिर पर लगाकर दर्द को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिपली और वज के चूर्ण को समान मात्रा में लेना होगा और गर्म दूध या पानी के साथ सेवन करना होगा। आराम मिलेगा। जो लोग अस्थमा से परेशान रहते हैं या जिन्हें सांस फूलने की समस्या रहती है, उन्हें बता दें कि उनकी इस परेशानी को दूर करने में पिपली बेहद मददगार है। ऐसे में आप पिपली को कूटकर पानी में उबाले और जब पानी आधा रह जाए तो बने मिश्रण को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर पीते रहें। थोड़े समय बाद सांस फूलने की समस्या के साथ साथ अस्थमा की समस्या भी दूर हो जाएगी। जो लोग 12 मास जुकाम या कफ से परेशान रहते हैं, उन्हें बता दें कि पिपली के माध्यम से वे अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिपली, पीपल मूल, काली मिर्च और सौंठ को एक मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटना होगा। वहीं अगर आप भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक और पिपली के पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर छाछ के साथ पीते हैं तो इससे बवासीर जैसी समस्या भी दूर हो सकती है। बता दें कि पिपली के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। वहीं अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता सही होगी तो टीबी यानी तपेदिक और अन्य संक्रामक रोग आपके शरीर से दूर रहेंगे। पिपली न केवल पाचन की शक्ति में सुधार करती है बल्कि ये भूख को भी बेहतर बनाती है। ऐसे में जिन लोगों को भूख कम लगती है वे इसके सेवन से अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। पिपली के सेवन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये हृदय रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। ऐसे में आप पिपली के चूर्ण को शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। अगर आप पेट दर्द, मरोड़ आदि से परेशान हैं, तो आप पिपली और छोटी हरड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इस समस्या से राहत मिल जाएगी। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि ये पिपली की मदद से अपने मोटापे को अंदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिपली के चूर्ण का सेवन शहद के साथ करना होगा। ऐसा अगर आप लगातार एक महीने तक करते हैं तो मोटापे की समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा आप पिपली के एक दो दाने दूध में उबालें और उसे दूध से निकाल कर चबाएं। उसके ऊपर वो उबला हुआ दूध भी पी जाएं। आराम मिलेगा। कब्ज की समस्या में भी पिपली के गुण काम कर सकते हैं। दरअसल ये औषधि डाइजेस्टिव एजेंट की तरह काम कर सकती है, जिससे भोजन को सही से पचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये मल निकासी में सहयोग कर कब्ज में आराम दिला सकती है। इस तरह पिपली का उपयोग कब्ज में सहायक साबित हो सकता है।